करेंगे विराम चिन्ह पंक्चुएशन। विराम का अर्थ, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। परिभाषा देखते हैं, वाक्य को बोलते या लिखते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है जिससे भाषा जो है स्पष्ट, अर्थवान व भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, और एक है रोको मत जाने दो। इनका देखते हैं, पहले वाला जो वाक्य है इसमें अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में जो है अर्थ स्पष्ट हो जाता है, लेकिन दूसरा वाक्य जो है इसके बिल्कुल उलट है। देखते हैं तीनों के बारे में। दूसरे वाक्य में क्या कह रहे हैं, रोको के बाद अल्प विराम लगा हुआ है जिसके कारण क्या भाव आ रहा है कि रोको, इसे जाने मत दो, रोको मत जाने दो, इसको रोक लो यहीं पर, जाने मत दो। अगले में क्या है, रोको मत जाने दो, इसको रोको मत, इसको जाने दो। इस तरह से हमें पता चला कि विराम चिन्ह जो है इसका बारे में अगर हमें स्पष्ट जानकारी होगी तभी हम किसी विवाद को कहने में समर्थ होंगे, और इनकी जानकारी होना हमें बड़ा जरूरी है। अतः भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है वही विराम चिन्ह कहलाते हैं, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम इत्यादि, ये सब इसके अंदर आते हैं। चिन्ह जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विराम चिन्ह और भाव चिन्ह। जब हम किसी बात को कहते हुए अपनी बात को विराम देते हैं या थोड़ा रुकते हैं तो उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अपने भावों को समझाने के लिए जब हम अपने भाव को एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा थोड़ा रुकते हैं तो उसे भाव चिन्ह कहते हैं, ये डिटेल से करते हैं। देखते हैं हिंदी में प्रचलित विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं नाम और चिन्हों के साथ। पूर्ण विराम, जिसे इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, जिसके लिए खड़ी पाई का इस्तेमाल किया जाता है। अर्ध विराम, जिसे सेमी कोलन कहते हैं, इसके लिए बिंदु और कोमा जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अल्प विराम, जिसे हम कोमा कहते हैं। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे हम मार्क ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं, ये मार्क ऑफ इंटरोगेशन का चिन्ह है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, इसके अंदर पाई लगा के उसके नीचे बिंदु लगाया जाता है। उदाहरण चिन्ह, इसे इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। अगर कोई बात किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई है उसको जब हम इन कोमा बंद करते हैं तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि किसी के कहे हुए वचन है। योजक चिन्ह, हाइफन कहते हैं, जब दो शब्दों को आपस में जोड़ते हुए उनके बीच में ये लगाया जाता है, जैसे माता पिता उनके बीच में लगाया जाता है। निर्देशक चिन्ह, जिन्हें हम डैश कहते हैं, कोई बात हमें निर्देश देना है, डिटेल में बतानी है, तो हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोष्ठक, इसे ब्रैकेट्स कहते हैं, कोई टफ शब्द है उसके बारे में अर्थ बताने के लिए हम जो है ब्रैकेट्स में उसके अर्थ को भी लिख देते हैं। त्रुटि बोधक, कैरेट कहते हैं, जिसे कई बार हमसे लिखते हुए त्रुटि हो जाती है या कोई शब्द हम भूल जाते हैं तो उसको इस साइन के द्वारा लिख के ऊपर अगर शब्द को लिख देते हैं तो वो उसके अंदर जुड़ जाता है। इसके बाद होता है रेखांकित चित्र, अंडरलाइन। अगर हमें कोई खास बात है या किसी विद्वान का नाम के बारे में बताना है या किसी की उसकी कोई खास बात बतानी है तो उसे हम हाईलाइट कर देते हैं कि अगला जो है सीधा देखने वाले का ध्यान उसके ऊपर जाए। इसके बाद आता है लाघव चिन्ह, साइन ऑफ हैब्रिवेशन। इसके अंदर हम छोटा सा एक जो है गोला लगा देते हैं जिसकी वजह से भी, जैसे डॉक्टर है, पूरा डॉक्टर बार बार लिखने के बजाय आकर डंडा लगाया और लगा दिया। लोक चिन्ह, मार्क ऑफ ओमिशन, जब हमें कोई वाक्य जो है छोड़कर लिखना है या कोई अनुच्छेद थोड़ा सा छोड़कर लिखना है तो हम इनका प्रयोग करते हैं। अब इन्हें डिटेल से देखते हैं। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, जिसे हिंदी में खड़ी पाई के रूप में लिखा जाता है और इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाया जाता है, इसका प्रयोग देखते हैं। यह वाक्य जो है जब समाप्त होता है वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। पूर्ण विराम जो है हिंदी का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन चिन्ह है, जो कि प्राचीनतम हिंदी से ही इसका प्रयोग होता चला जा रहा है। इस विराम चिन्ह का प्रयोग जो है प्रश्न चिन्ह और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, मोहन एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 8 में पढ़ता है। इसके अलावा दोहा, श्लोक, चौपाई आदि की पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम और दूसरी पंक्ति के अंत में दो पूर्ण विराम जो है इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, एक पाई का प्रयोग। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, यहाँ पर दो पाई आती है। कभी कभी
किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते हुए भी वाक्यों के अंदर जो है हम पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग करते हैं। जैसे वह राम सिंह आ रहा है, गठा हुआ वदन है, मस्ती भरी चाल है, हंसता हुआ चेहरा है। इस तरह की जब बातें हम करते हैं तो जो है पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। एक बात और है इसके बारे में, पूर्ण विराम एक ऐसा चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु आधुनिक हिंदी में फुल स्टॉप का प्रयोग जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। कहने का भाव यह है कि बाकी सभी तो जो विराम चिन्ह है इंग्लिश में भी लगाए जाते हैं, ओनली एक अकेला केवल पूर्ण विराम है जो इंग्लिश में प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरे नंबर पर आता है अपूर्ण विराम या उपविराम, जिसे कोलन कहते हैं। पूर्ण विराम से कम ठहराव इसके अंदर होता है, लेकिन अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा ठहराव होता है। जैसे जहां वाक्य जो है समाप्त होने पर भी जिज्ञासा बनी रहे कि आगे वाक्य के अंदर क्या कहा जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल को जरा, मेरे पास तेरी एक खबर है। यहां की बजाय क्या लगा दिया, कोलन लगा दिया, अपूर्ण विराम लगा दिया, तुम पास हो गए, मुझे पता है तो आजकल क्यों पतला होता जा रहा है, तेरे जीवन में अनेक समस्याएं हैं। इस तरह एक बात के बारे में अभी बात बाकी है, कहने का भाव है कि बात के अंदर जिज्ञासा को बनाए रखने के लिए जो है उपविराम का प्रयोग किया जाता है। विराम सेमीकोलन, इसके लिए ये चिन्ह लगाया जाता है। अपूर्ण विराम से कम ठहराव यहाँ पर होता है। प्रयोग देखते हैं, जब बात को एक ही तरीके से आगे बढ़ाया जाए। नंबर दो, जब किसी खंड वाक्य का आरंभ वर्ण, बल्कि, किंतु, परंतु, क्योंकि, फिर भी, इसलिए आदि शब्दों से हो तो उसे अर्धविराम कहते हैं। दो या दो से अधिक उपाधियों को अगर हमें लिखना है तो भी हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे एमए बीएड, एमए पीएचडी। इसके अलावा जो है दो या दो से अधिक जो वाक्य होते हैं जिनको और से नहीं जोड़ा जा सकता, उनके बीच भी हम अर्धविराम लगाते हैं। जैसे बारिश होती रही फिर भी काम चलता रहा। इसके बाद देखते हैं अल्पविराम, जिसे हम कोमा बोलते हैं। अर्धविराम से भी कम ठहराव इसके अंदर होता है। इसका प्रयोग बड़ा व्यापक है हिंदी के अंदर, बल्कि हर भाषाओं के अंदर इसका प्रयोग बड़ा व्यापक है। प्रयोग देखते हैं, दो संज्ञाओं, विशेषणों या क्रियाओं के बीच इसका प्रयोग होता है। जैसे राम, श्याम, दिल्ली, सुशील, सुंदर। जैसे वह लड़की बड़ी सुशील सुंदर है। इसके बाद है खाना, खेलना, सोना, कर कोई भी काम। अगर एक ही व्यक्ति के बारे में बता रही है और एक ही सेंटेंस में एक वाक्य के अंदर आ रही है तो उसके उनके बीच में भी हम अल्पविराम लगाते हैं। इसके बाद अगर हमें हाँ, नहीं, जी, बस आदि से शुरू होने वाले वाक्य शुरू करने तो भी हम हाँ लगा के उसके बाद कोमा लगाते हैं, उसके बाद अपनी बात कहते हैं। इस तरह नाम के साथ ऐसे ही किसी को नाम से संबोधित करते हुए, जैसे मानवी जरा इधर आना, थोड़ा रुकते हैं ना, मानवी जरा इधर तो आओ, तो यहाँ पर क्या लगता है, अल्प विराम। इसके बाद है जहां कोई पद छूट जाता हो, जैसे वह कब तक आएगा, कहा नहीं जा सकता। यहाँ क्या छूट गया, यहाँ पर यह कहा नहीं जा सकता, भाई इस बात के बारे में हम कह नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, अल्प विराम लगेगा। इसके बाद है तारीख के साथ अगर महीने का नाम लिखना हो तो भी हम क्या करते हैं, अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, इस तरह से हम उसको लिखते हैं। एक दो बात और देखते हैं। इसके बाद जैसे एक ही प्रकार की कोई शब्द है, एक ही बात को बताने के लिए कहा जाता है तो उसमें भी अल्पविराम लगाया जाता है। और अंतिम जो बात है, अगर 3 से 4 बातें एक ही चीज के बारे में बताई जाए तो उसके अंदर क्या लगाते हैं, अल्पविराम लगाते हैं, लास्ट में और का प्रयोग कर देते हैं। जैसे वह अपनी संपत्ति, अपनी भूमि और अपनी प्रतिष्ठा खो बैठा, इस तरह के जब वाक्य हम लिखते हैं। कई बार वाक्यांश और उपवाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे विज्ञान का पाठ्यक्रम बदलने पर यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अल्पविराम। मैं समझता हूं कि परीक्षा परिणाम जो है वो प्रभावित हुआ। इसके अलावा कभी कभी जो है ना, किंतु परंतु, उसकी जगह पर भी हम अल्प विराम का प्रयोग कर देते हैं। अब तक हमने जो 4 विराम चिन्ह किए हैं, पूर्ण विराम उसमें सबसे ज्यादा रुका जाता है, उपविराम उसमें पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना पड़ता है, उसके बाद आता है अर्धविराम, उसमें अर्धविराम में जो है उपविराम से कम रुकना पड़ता है, और उसके बाद आता है अल्पविराम, उसमें सबसे कम रुकना पड़ता है। ये जो विराम चिन्ह हमने देखे ये केवल विराम चिन्ह है, लेकिन अब जो ये चिन्ह देखेंगे हम,
ये जो है ये क्या है, भाव चिन्ह भी है। इन चिन्हों के साथ हम अपने भावों को भी व्यक्त करते हैं। इसलिए हम देखते हैं सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए ऐसा साइन लगता है, इसके बाद आता है प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं उनके अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं, किसी से प्रश्न करते हैं, तब हम जो है इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वहां क्या रखा है। इसके अलावा जो है इस चिन्ह का प्रयोग जो है संदेह प्रकट करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या कहा, वह निष्ठावान है, इस तरह के वाक्य जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है इसमें आदि बोधक चिन्ह। इसके अंदर क्या क्या आता है, ये तो इसका साइन है, चिन्ह है। इसमें आदि बोधक जो है आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग जो है वो किया जाता है। जैसे वाह, आप यहाँ कैसे पधारे। जैसे किसी को हम देख के खुश हो जाते हैं तो यहाँ कहते हैं ना भी आप यहाँ कैसे आ गए, तो वाह लिखने के बाद भी वाह का मतलब हम उसके लिए हर्षित हैं। इसके बाद है हाय, बेचारा व्यर्थ में मारा गया। ये जो है क्या है, शोक के लिए है, हाय बेचारा बिना मतलब के ही मारा गया। इसके बाद आता है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह जो है किसी के वाक्य या शब्दों को झोंका क्यों प्रयोग रखने के लिए, कि भी हम जैसे किसी की डेफिनेशन लिखते हैं, दूसरों के कई बात कहते हैं, तो उसे रखने के लिए हम लिखित रूप में जब हम उसे लिखते हैं तो जो है हम उदाहरण जो है चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुलसीदास ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये जो बात है किसने कही है, तुलसीदास जी ने कही है। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, उदाहरण चिन्हों के अंदर जो है बंद करेंगे, इनको इन्वर्टेड कॉमा में बोलते हैं। इसके बाद है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो है सामासिक पदों और को युग्म है उनके मध्य जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जय पराजय, लाभ हानि, राष्ट्र भक्ति। इसके अलावा तुलनावाचक, जैसे किसी से हम दो लोगों से जब हम तुलना करते हैं तो तुलनावाचक के साथ भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे सा सी से, इसे पहले, जैसे चांद सा चेहरा, फूल सी मुस्कान। इसके अलावा एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच भी हम इन्हीं का प्रयोग करते हैं। जैसे कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा, रुपया पैसा। इसके बाद अलावा हम सार्थक निरर्थक शब्दों के जो युग्म होते हैं उनके बीच में भी हम क्या प्रयोग करते हैं, योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, काम वाम, खाना वाना, इस तरह जो है योजक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह, इसका ये चिन्ह है, योजक चिन्हों से थोड़ा सा ये बड़ा होता है, उसका प्रयोग देखते हैं संवादों को लिखने के लिए। जब भी हम कोई कहानी लिखते हैं या कोई एकांकी लिखते हैं उसके अंदर संवाद जब हम लिखते हैं, तो संवाद जब एक व्यक्ति दूसरे से कोई संवाद करता है तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, तुम कहाँ रहते हो, श्याम, मैं नेहरू नगर में रहता हूँ। यहाँ राम ने कहा या श्याम ने कहा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देते हैं संवाद में राम। ये राम क्या बोल रहा है, राम जो है वो बोल रहा है तुम कहाँ रहते हो, फिर श्याम बोलता है मैं नेहरू नगर में रहता हूँ। इसके बाद है कहना, लिखना, बोलना, बतलाना, इन शब्दों के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, हिंसा मत करो, क्योंकि उन्होंने कोई भी बात अगर कोई व्यक्ति कहता है तो उसके लिए भी हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है कोष्ठक। कोष्ठक में मुख्यतः उस सामग्री को रखा जाता है जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी उसे पृथक की जा सकती है, उसे अलग की जा सकती है। जैसे आपकी सामर्थ्य या शक्ति को मैं जानता हूँ। सामर्थ्य, कई बार कई लोगों को सामर्थ्य का अर्थ अगर ना पता हो तो शक्ति का अर्थ को पता होता है। कहने का भाव ये कि अगर कोई कठिन वर्ड है, कठिन कोई शब्द है, उसका अर्थ बतलाने के लिए हम जो है कोष्ठक के अंदर अपने अर्थ को किसी आसान शब्द को लिख सकते हैं ताकि उसके अर्थ जो है हम अच्छी तरह से समझा सकें। के बाद आता है त्रुटि बोधक। त्रुटि बोधक, जब किसी वाक्य में कोई शब्द या कोई अक्षर हमसे छूट जाता है, कई बार गलतियां हो जाती हैं तो हमसे छूट जाता है, तब हम इस त्रुटि बोधक का प्रयोग करते हैं। जैसे स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, ऐसे छूट गया, तो अगर हम यहाँ ऐसे चिन्ह लगा देंगे और ऊपर लिखेंगे जन्मसिद्ध, तो वाक्य का अर्थ सही निकलेगा, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके बाद आता है रेखांकन चिन्ह। रेखांकन मतलब किसी भी शब्द को, कोई वाक्य के अंदर कोई महत्वपूर्ण शब्द है, पद है, या किसी अनुच्छेद में कोई महत्वपूर्ण वाक्य है, उसको अगर हम अंडरलाइन या रेखांकन कर देते हैं उसका, तो उसकी तरफ जो है देखने वाले का ध्यान एक मिनट में चला जाता है कि ये कोई खास बात है जिसके नीचे अंडरलाइन, क्योंकि हम उसी बात को अंडरलाइन करते हैं, उसी बात को रेखांकित करते हैं जो कोई खास बात हो। जैसे गोदान उपन्यास, प्रेमचंद की
सर्वश्रेष्ठ कृति है। यहाँ गोदान जो है क्या है, प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कृति है, इसलिए हमने गोदान के नीचे रेखांकन किया है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। गोदान एक ऐसा उपन्यास है जो हिंदी में प्रेमचंद जी की जो है सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसके बाद आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह के लिए हम इस तरह का चिन्ह लगाते हैं, संक्षिप्त रूप से अगर हमें कोई बात लिखनी है, बड़े उसमें नहीं लिखनी है, छोटा करने के लिए हम इसे लाघव चिन्ह को प्रयोग करते हैं। जैसे कृप का मतलब होता है कृपया पृष्ठ उलटिए, इस तरह से छोटे हो जाते हैं जिसे हम अर्थ समझ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है, स्पष्ट हमें पता चल जाता है। इसके बाद है लोक चिन्ह। लोक चिन्ह के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जब वाक्य अनुच्छेद के कुछ अंश हमें छोड़ देते हैं, मतलब कुछ टाइम हमें बीच में स्पेस लेना है, कोई अंश छोड़ के भी हम लिख सकते हैं तो उसका सही निकलता है। कहने का भाव यह कि उसके अंदर अगर हम उन शब्दों को, उन वाक्यांशों को अगर हम छोड़ भी देंगे तो उसके अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो तब हम लोक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे परीक्षा की घड़ी आ गई, हम करेंगे या मरेंगे। जब हम कोई काम करते शुरू कर देते हैं और उसका बिल्कुल लास्ट टाइम आ जाता है तो हम क्या कहते हैं उसके लिए, अब तो हमको ये काम करना है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, उस टाइम बिल्कुल कम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं उस पर बिल्कुल फोकस होके, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके हम उस काम को करते हैं। तो इस तरह से लोक चिन्ह का प्रयोग होता है। मुख्य विराम चिन्हों के अलावा कुछ गौण चिन्ह भी होते हैं जो हम अक्सर प्रयोग करते हैं। नाम चिन्ह और उपयोग देखते हैं। पुनरुक्ति सूचक विराम चिन्ह, मार्क ऑफ रिपीटेशन, इसके लिए ये चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। किसी शब्द या वाक्य को बार बार लिखने, पुनरुक्ति से बचने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है विवरण चिन्ह, कॉलम डैश, जो इस तरह से लिखा जाता है, बनाया जाता है। किसी वस्तु के सविस्तार वर्णन के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे हमने किसी बात के बारे में डिटेल से बताना है तो हम निम्नलिखित है ऐसा करके इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है तारक सूचक, जिसे स्टार मार्क कहते हैं, स्टार की तरह बनाते हैं उसे। पाद टिप्पणी के लिए, किसी बात के ऊपर कोई खास टिप्पणी की जाती है उसके लिए बनाया जाता है। इसके बाद है योग चिन्ह या प्लस मार्क, इस तरह हम प्लस मार्क लगाते हैं दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने में इसका हम प्रयोग करते हैं। संधि को दिखाने के लिए और शब्दों की व्युत्पत्ति को बताने के लिए हम इस प्लस का, योग का जो चिन्ह है इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है तुल्यता सूचक, जिसे हम इक्विवेलेंट मार्क कहते हैं, इक्वल का निशान की तरह, जैसे मैथ में इक्वल का निशान लगाते हैं इस तरह। समान सूची करने के लिए या समान सूची करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। कहने का भाव है कि संधि और समास जब हम बनाते हैं प्लस के निशान के बाद, जब हम जैसे हम बनाते हैं पिता प्लस अंबर पिताम्बर, इस तरह से इक्वल का निशान हम लगाते हैं। इसके बाद है तिर्यक रेखा, जिसे स्लैश बोलते हैं, इस तरह का मार्क होता है, या वह अथवा के अर्थ में इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे किसी बात के लिए हम या अथवा बार बार लगाने की बजाय हम जैसे दुख सुख उसके बीच में लगा दें, तो जैसे लाभ हानि, तो इसका मतलब होता है या तो दुख या तो हानि, मतलब एक को संबोधित वो करता है। इसके बाद आता है गोली बुलेट, इस तरह से हम गोली के आकार का बना देते हैं। मुख्य तथ्यों को सारांश रूप देने के लिए, अगर कोई मुख्य मुख्य तथ्य हैं उनको बाद में हम सारांश रूप से बताना चाह रहे हैं तो हम इस तरह गोली लगा लगा के पॉइंटों को रख सकते हैं। इसके बाद आता है समाप्ति सूचक, जिसे फिनिश मार्क कहते हैं, इसको हम इस तरह से या स्टार मार्क या किस इन में से किसी भी तरह से बना सकते हैं। लेख या पुस्तक की समाप्ति का बोध कराने वाले हैं ये जो समाप्ति सूचक हैं। कोई हम लेख लिखते हैं, कोई पुस्तक हम फिनिश करते हैं तो हम लास्ट में अपने ये बनाते हैं जो कि फिनिश का सूचक है, समाप्ति का सूचक है। गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक विराम चिन्ह। आशा है कि आप इसको पसंद करेंगे और इसे जरूर लाभ उठाएंगे। इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे और देखते रहेंगे माझी वाला एजुकेशन चैनल। मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। बाय बाय।